माता अनुसुईया ने बताया कि जो मनुष्य इन पांच ऋणों को चुकाए बिना मर जाता है वो नरक में जाता है। वे पांच ऋण कौन से हैं जिनको ना चुकाने वाला हमेशा नरक में गिरता है, आइए इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दर्शक बंधु, प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नाम का ब्राह्मण रहता था। पूर्व जन्म के उसके कुछ जघन्य पापों के कारण उसके शरीर से कोढ़ फूट गया था। वो अपने उस घृणित और दुर्गंध युक्त शरीर को लेकर एक रास्ते के सहारे से झोपड़ी बनाकर पड़ा रहता था। कोई भी उसके पास आता जाता नहीं था। कुछ दयावान लोग उसके पास खाने पीने की वस्तु रख जाती, वो उसी को खाकर अपना पेट भर लेता था। मित्रों, याद रखना, मनुष्य जब कुछ ऐसे पाप कर जाता है जो लोक में बहुत ही घृणित और निंदित माने जाते हैं, तभी परमात्मा उसे ऐसी सजा देता है। कौशिक भी अपने पापों का दंड कोड़ी बनकर भोग रहा था। कौशिक की सैव्या नाम की एक पत्नी थी। सैव्या एक पतिव्रता स्त्री थी। सैव्या की किसी गलती को लेकर उसके पिता ने उसे एक कोड़ी के पास छोड़ दिया था। सैव्या भी कोड़ी को ही अपना पति मानकर उसकी सेवा करती थी। सांडिल्य गोत्र में पैदा होने के कारण सैव्या को लोग सांडली भी कहा करते थे। पति को लेकर उसके मन में कभी घृणा नहीं आती थी। वो तन मन धन से अपने पति को संतुष्ट रखना चाहती थी। उसका पति जबकि इतने घृणित रोग से ग्रस्त था तो भी उसकी देवता की भांत पूजा करती थी। इतना ही नहीं, उसका थूक, उसका मलमूत्र और उसके रक्त को भी वो स्वयं धोकर साफ करती थी। पर पुरुष की तरफ तो वो कभी आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। वो हर प्रकार से पति को प्रसन्न रखना चाहती थी, किंतु कौशिक अपने क्रोधी स्वभाव के चलते हर समय अपनी पत्नी को डांटता फटकारता रहता था। फिर भी उससे कभी मनमैला नहीं करती थी, उल्टा उसके पैरों में पड़कर उसका प्रिय कार्य करती रहती थी। वो जिस चीज को खाकर खुश होता था, सांडली उसे वही चीज खिलाती थी। वो जिसे देखकर खुश होता था, वो उसी का दर्शन कराती थी। वो साध्वी अपने उस कोड़ी पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। एक दिन की बात, कौशिक अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। वहीं से उसने एक बेस्या को जाते हुए देख लिया। वो बेस्या के रूप पर इस कदर पागल हो गया कि हर समय उस बेस्या के ही गुण गाता रहता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, अरे सांडली, तू मुझे उस सुंदर बेस्या से मिलवाने ले चल, वरना उसके वियोग में मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। मैं उस सुंदर अप्सरा को अपनी आंखों से जी भर के निहारना चाहता हूं। मेरी आंखें उस सुंदरी के रूप का पान करने को तरस रही है। जल्दी ले चल, वरना मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़कर चल बसेंगे। दोस्तों, एक स्त्री के लिए संसार में सबसे कठिन काम यही होता है। वो अपने पति को किसी अन्य स्त्री से नहीं मिलवा सकती। सांडली ने सोचा कि यदि बेस्या की याद में इनके प्राण चले गए तो इन्हें महाभयंकर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं इन्हें उस बेस्या के पास ले चलूं। कम से कम इन्हें उसे देखकर कुछ खुशी तो मिलेगी ही। मैं बस इन्हें खुश देखना चाहती हूं। कौशिक चलने फिरने में असमर्थ था, फिर भी वो बार बार बेस्या से मिलने की जिद किए जा रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर गाली बकता हुआ अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे सांडली, तू कहां मर गई, मुझे उस अप्सरा के पास जल्दी ले चल। वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूं। पति की इच्छा पूरी कराने के लिए सांडली ने अपने कोड़ी पति को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और बेस्या से मिलवाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ी। रात्रि का समय था, आकाश में बरसाऊ बादल छाए हुए थे। घने अंधेरे में आगे का मार्ग नहीं सूझ रहा था, फिर भी वो पतिव्रता उस बेस्या का पता पूछती हुई धीरे धीरे उसके घर की ओर चली जा रही थी। रास्ते में ऋषि मांडव्य एक सूली पर बैठे हुए थे। चोरी के इल्जाम में वहां के राजा ने ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ा दिया था। वे कई दिन से उस सूली पर बैठे हुए थे। वे एक तपस्वी थे। उनके तपोबल के कारण सूली पर चढ़ने के बाद भी वे अभी तक मरे नहीं थे, पर सूली की भयंकर वेदना को वे सहन करते हुए उस पर बैठे हुए थे। सांडली अपने पति को कंधे पर बैठा कर अंधेरे में उस बेस्या के घर की ओर चली जा रही थी। रात के अंधेरे में उसे वो सूली नजर नहीं आई। किसी तरह से कौशिक का पैर उस सूली में टकरा गया। पैर लगने से सूली कुछ इधर उधर हिलने लगी। सूली हिलने के वजह से मांडव ऋषि को बहुत भयंकर पीड़ा पहुंची। वे एकदम पीड़ा से कराह उठे।
और कुपित होते हुए उन्होंने कौशिक को सांप दे डाला। कहने लगे, कौन है वो नराधम जिसने मेरी सूली हिलाकर मुझे भयंकर कष्ट दिया है? मैं उसे सांप देता हूं कि सूर्य निकलते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऋषि का सांप सुनकर पतिव्रता घबरा उठी, सोचने लगी कि वो अपने पति को मरने नहीं देगी। ऋषि का सांप तो तब फलित होगा जब सूर्य निकलेगा, मैं आज से सूर्य देवता को ही उदय नहीं होने दूंगी। दर्शक बंधुओं, पतिव्रता ने अपने सतीत्व के बल से सूर्य को उदय होने से रोक दिया। अब तो सूर्य देवता उदय ना होने के कारण हर समय रात रहने लगे। सारे धर्म कर्म कई दिनों तक पृथ्वी पर नहीं हो पाए। जीव जंतु मनुष्य सब बेचैन होने लगे। आवागमन, खेती, व्यापार सब ठप हो गए। चोर और लुटेरे, इनका आतंक बढ़ गया। यह देखकर देवताओं में खलबली मच गई। सारे देवता भागकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पितामह, एक पतिव्रता के कारण सूर्य ने पृथ्वी पर उदय होना बंद कर दिया है। पृथ्वी वासियों पर जीविका का संकट खड़ा है। धर्म कर्म ना हो पाने की वजह से देवताओं की शक्ति छीण हो रही है। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने उन्हें माता अनुसुईया के पास जाने को कहा और बोले, यदि देवी अनुसुईया कुछ पहल करे तो सूर्य उदय हो सकता है। दर्शक बंधु, अब तो सारे देवता भागे भागे माता अनुसुईया के पास आए और बोले, हे माता, किसी तरह से सृष्टि को नष्ट होने से बचा लो। यदि सूर्य उदय नहीं हुआ तो संसार में मनुष्य नष्ट हो जाएंगे और मनुष्यों के नष्ट होते ही धर्म कर्म का लोप हो जाएगा और धर्म कर्म ना होने की वजह से देवताओं का भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। माता अनुसुईया ने देवताओं को आश्वासन दिया कि हे देवगणों, मैं सती साध्वी सांडली को मनाकर फिर से सूर्य उदय कराऊंगी, आप धैर्य रखिए। इस प्रकार माता अनुसुईया सांडली के घर में गई और उसे समझाने लगी, हे देवी, मैं तुम्हारे सतीत्व को प्रणाम करती हूं। पति के चरणों की सेवा से तुमने सूर्य का निकलना भी बाधित कर दिया है। धन्य है तुम जैसी सतवंती स्त्री जिन्होंने पति की भक्ति से त्रिलोक को बस में कर लिया है। पर मैं तुमसे एक बात कहने के लिए आई हूं। मनुष्य को ये 5 ऋण जरूर चुकाना चाहिए। जो मनुष्य इन 5 ऋणों को चुकाए बिना मर जाता है उसे नरक में ही जाना पड़ता है। पहला ऋण जन्म देने वाले माता पिता का। जो संतान माँ बाप के ऋण को भूल जाती है, उन्हें दुर्बल होने पर पालती पोसती नहीं, बुढ़ापे में उनकी देखभाल नहीं करती, उनकी हाथ की लाठी नहीं बनती, उन्हें त्याग कर चली जाती है, उन्हें कष्ट सहने के लिए अकेला छोड़ देती है, उन्हें संताप देती है या घर से निकाल देती है, रोगी बीमार होने पर उनका उपचार नहीं कराती, उनके जीते जी उन्हें तीर्थों का भ्रमण नहीं कराती, उनके मरने पर उनका पिंडदान नहीं करती, माँ बाप को भगवान मानकर उनकी पूजा नहीं करती, उन्हें नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा ऋण संतान और स्त्री के भरण पोषण का। जो मनुष्य गृहस्थ जीवन में बंधकर अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं देखता है, उनका पालन पोषण नहीं करता है, उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं कराता है, उनके भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध नहीं करता है, उन्हें असहाय छोड़कर चला जाता है या क्रोध में आकर आत्महत्या कर लेता है, अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ाकर भाग जाता है, संतान का समय से विवाह नहीं करता, उन्हें धर्म का उपदेश नहीं दिलाता, वो निश्चित ही नरक में गिरता है। गृहस्थ मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है पत्नी और बच्चों के प्रति अपने दायित्वों को निभाना, उन्हें सही मार्ग का अनुसरण कराना। नंबर 3, गुरु और देवताओं का ऋण। जिस गुरु ने आपको ज्ञान देकर पशु से मनुष्य बना दिया, संसार में जीने की सही राह सुझाई, परमात्म तत्व का बोध कराया, उसका उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकता। मनुष्य जब तक जीता है इनका तब तक ऋणी रहता है। चौथे हैं देवता। देवता सदैव मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के मनुष्य को देते रहते हैं, चाहे वो वायु हो, जल हो, सूर्य हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, आकाश हो या प्रकृति। इनका ऋण हम पर जीवन पर्यंत रहता है। मनुष्य को चाहिए
कि वो धर्म कर्म से धन का संग्रह करे और उस धन को अपने पालन पोषण के साथ साथ सत्कर्मों में भी व्यय करे, सत्पात्र को दान दे, देवताओं के पूजा हवन में अपने धन को लगाए। मनुष्य के सत्कर्म से देवता प्रसन्न रहते हैं और देवता प्रसन्न रहेंगे तो मनुष्य खुशहाल रहेगा। पांचवा होता है मानवता का ऋण। जिसने मनुष्य बनकर मानवता के लिए कुछ नहीं किया वो मनुष्य होकर भी पशु ही बना रहता है। समस्त जीवों के प्रति दयावान रहना चाहिए, मानवता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। मानव ही मानव के काम आता है, उनके द्वारा किए गए उपकारों को ध्यान में रखते हुए स्वयं भी उपकार करना चाहिए। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें जीवों का विनाश होता हो या उन्हें कष्ट पहुंचता हो। माता अनुसुईया बोली, हे देवी सांडली, आपके कारण आज पृथ्वी पर समस्त जीवों पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। सब मानव जाति सूर्य न निकलने के कारण नष्ट होने वाली है। ऐसा हित और स्वार्थ किस काम का जिसमें निर्दोषों की भी जान चली जाए। समस्त जीवों की पीड़ा को समझिए देवी, तुम्हारे कारण मनुष्य क्या, देवता क्या, प्रकृति क्या, सब पर संकट आखड़ा हुआ है। रात और दिन की व्यवस्था का लोप होने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। यदि तुम इस संसार को विपत्ति से बचाना चाहती हो तो सूर्य उदय होने दो। माता अनुसुईया की बात सुनकर सांडली बोली, हे देवी, मांडव्य ऋषि के साथ के कारण सूर्य उदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। पति की प्राण रक्षा करना भी मेरा धर्म है, बताओ मैं क्या करूं। देवी अनुसुईया ने कहा, देवी, तुम्हारे पति को मैं जीवित करूंगी और वो समस्त रोगों से छुटकारा भी पा जाएगा। दर्शक बंधु, उसी समय सांडली ने सूर्य देवता का आह्वान किया। सूर्य देवता उदय हुए। सूर्य के उदय होते ही उसका पति मर गया। माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से सांडली के पति को जीवित कर दिया। अब वो कोढ़ मुक्त होकर एकदम तरुण बन गया था। माता अनुसुईया उसे 100 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान देकर चली गई। सांडली अपने नौजवान सुंदर पति के साथ रहने लगी। देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। दर्शक बंधु, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मनुष्य के ऊपर वे 5 ऋण कौन से होते हैं जिन्हें ना चुकाने पर उसे नरक में गिरना पड़ता है। तो चलिए अपनी राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।